हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीतास किचन। आज मैं ब्रेड गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाने में बहुत कम सामग्री लगता है, बहुत ही कम टाइम लगता है, पर इसका टेस्ट वैसा ही रहता है जैसे मार्केट के गुलाब जामुन वाली मिठाई में होता है। मैंने यहाँ पे सूखा गुलाब जामुन बनाया है, नारियल के बुरादे से गार्निश किया है। आप चाहे तो चाशनी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सूखा इसलिए बनाया है क्योंकि आप इसे 10 दिन तक रख के आराम से खा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं ब्रेड गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनीतास किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैंने लिया यहाँ पे 7 ब्रेड, आप ज़्यादा कम भी ले सकते हैं। दूध लिया है मलाई के साथ में, मलाई भी है दूध भी है। बादाम 8-10 जिसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इलायची पाउडर 4-6। नारियल घिस करके हमने बारीक घिस के तैयार किया है, आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। ऑयल लिया है तलने के लिए, पानी और चीनी लिया है 100 ग्राम। अब एक बड़े बर्तन में ब्रेड को चूरा चूरा कर लें इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में। आप चाहे तो ये ब्रेड का किनारा जो ब्राउन है उसे आप निकाल सकते हैं, पर मैं ब्राउन किनारे के साथ ही इसे चूरा चूरा कर रही हूँ और बहुत ही बारीक चूरा करना है इस तरह का। आप चाहे तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब इसमें बिल्कुल कम ऑयल डालना है, 1/2 टीस्पून के करीब। इसे अच्छे से मिक्स करें। अब मलाई के साथ में जो दूध लिया है उसको थोड़ा थोड़ा करके डालें और एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। ध्यान रहे एक साथ दूध ना डालें, धीरे धीरे करके डालें। इसी तरह से गूंथना है, बिल्कुल चिकना करके गूंथना है, बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल आटे की तरह दिखना चाहिए इस तरह से। देखिए कितना सॉफ्ट है। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, ज़्यादा छोटे ना रहें, ज़्यादा बड़े भी नहीं, क्योंकि फूलने के बाद ये बड़े होते हैं। बीच में इस तरह से दबाएं और बादाम के कुछ टुकड़े डालें और फिर से गोल गोल करें जब तक ये दरारें ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए इस तरह के गोल बना लिया है, कहीं भी कोई दरारा नहीं है, एकदम चिकना है। और अगर आपके हाथ में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं अपने हाथों पे। इसी तरह से हम और भी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे बीच में थोड़ा सा दबाएं, 2-4 बादाम के टुकड़े रखें और इसे फिर से दोबारा से गोल करें एकदम चिकना होने तक। ध्यान रहे कहीं कोई दरारे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फट सकता है। इसी तरह से हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ब्राउन शेप में या फिर थोड़ी सी लंबी शेप में बना सकते हैं, पर यहाँ पे इसको मैं थोड़ी सी लंबाई शेप में दे रही हूँ। इसी तरह से हमने सारे बॉल्स बना करके तैयार कर लिए हैं। अब इसे एक साइड में रखें। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे, उसके लिए एक पैन या कढ़ाई चढ़ाएं, एक ग्लास पानी डालें। अगर 100 ग्राम चीनी है तो एक ग्लास ही पानी डालेगा। चीनी डाल दें, अच्छे से मिक्स करें और इसे लो फ्लेम पे रख दें 5 से 6 मिनट के लिए। साथ में दूसरी गैस पे एक पैन या कढ़ाई चढ़ाएं, उसमें ऑयल और बहुत गर्म होने दें। ये देखिए ऑयल बहुत गर्म हो चुका है, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। अब एक एक करके जो बॉल्स बनाए थे उसे इस ऑयल में डालें। ध्यान रहे गैस का फ्लेम हाई ही रहना चाहिए, बहुत सावधानी से डालें।
और इसे डालते ही एकदम से नहीं चलाना है, आपको किसी स्पून या करछी के सहायते से बहुत धीरे धीरे चलाना है, पलटना है, क्योंकि वह बहुत सॉफ्ट होता है, टूट भी सकता है। ये देखिए हल्का कलर चेंज हो गया है, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पे छोटे स्पून की सहायता से इसे पलट रही हूँ। ये देखिए लगभग तैयार है, हमें इसी कलर का चाहिए। तो अब एक प्लेट पे किचन टॉवल या फिर टिश्यू पेपर रखें, और उस पे ये तैयार गुलाब जामुन निकाल लें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें अब्जर्व हो जाए। इसी तरह से दूसरे जो बोल्स बने थे और भी हम उसे तल लेंगे। इसी भी सेम उसी तरह से डीप फ्राई करना है बहुत लाइट हाथों से। इसे भी स्पून की सहायता से पलटें। एक बारी में थोड़ा थोड़ा ही तले क्योंकि ये फूलता है। ये देखिए ये भी डीप फ्राई हो गया है, इसे भी एक प्लेट में निकाल लें। गैस ऑफ कर दें और ये हमने इस प्लेट में निकाल लिया है, इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब हम चाशनी को देख लेते हैं। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गया है, चाशनी को चेक करेंगे, हल्की गाढ़ी हो जाए तो इसका मतलब चाशनी तैयार है। अब इसमें इलायची पाउडर डालें और अच्छे से मिक्स करें। अब एक बोल में गुलाब जामुन रखें। ध्यान रहे गुलाब जामुन ठंडा है तो चाशनी गर्म डालनी है, चाशनी ठंडा है तो गुलाब जामुन को गर्म डालना है। इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई करें और पूरे डिप होना चाहिए चाशनी में, जैसे कि इस तरह की, एक बारी में ज़्यादा ना डालें। और इसे ढक करके रख दें 5 से 6 मिनट के लिए। पाँच छः मिनट पूरे हो चुके हैं, ये देखिए चाशनी अच्छे से अब्जर्व हो गई है, गुलाब जामुन भी थोड़ा फूल गया है। अब इसे स्पून की सहायता से एक एक करके बहुत ही सावधानी से चाशनी से अलग करके प्लेट में निकालें। बहुत ही लाइट हाथों से निकालना है क्योंकि वो सॉफ्ट हो गया है बहुत ज़्यादा। अब चाशनी को अलग रख दें। अब के बुरादे में एक एक करके गुलाब जामुन को इस तरह से डिप करके गार्निशिंग कर दीजिए ताकि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। आप चाशनी के साथ भी खा सकते हैं पर मुझे ये ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैंने इसे ड्राई बनाया है। इसे रखकर आप 8 से 10 दिन तक खा सकते हैं। ये सारे हमने गार्निशिंग करके तैयार कर लिया है, ब्रेड गुलाब जामुन तैयार है। आप इस रक्षाबंधन को स्पेशल बनाने के लिए इस ब्रेड गुलाब जामुन को ज़रूर ट्राई। आई होप ये आपके भाई बहनों को बहुत ही पसंद आएगा। जितना अच्छा ये देखने में है उतना अच्छा ही इसका टेस्ट है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बस कुछ बातों का ध्यान रखिए कि आटा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, और चाशनी बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी तार नहीं आना चाहिए, बस देखने में हल्का गाढ़ा आना चाहिए। उसे अगर हाई फ्लेम पे आप पका रहे हैं तो 5 मिनट तक पकाएं, लो फ्लेम पे पका रहे हैं तो 5 से 7 मिनट तक पकाएं। आई होप ये आप सबको बहुत पसंद आएगा, खास करके बच्चों को,
तो प्लीज़ इस रेसिपी को बनाना ना भूलें। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल सुनीतास किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।